नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भयंकर उठापटक देखने को मिल रही है। शुरुआती 15 मिनट में जो हुआ है ना, वो काफी ज्यादा तंगड़ी वॉलिटिलिटी थी, लेकिन एट द एंड मार्केट काफी अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वॉलिटिलिटी भरपूर है आपके लिए। बाजार 20-25 पॉइंट ऊपर खुला निफ्टी के लेवल्स पे, 40 पॉइंट्स तक ऊपर आया और एक शार्प करेक्शन, शार्प पूरी तरीके से 2 मिनट के अंदर मार्केट लाल निशान में फिसल गया और लो लगाया 19,259 का, जो अपने आप में एक अहम लेवल है। 250 और 200 बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मैंने आप सभी के साथ अपने फ्री टेलीग्राम पे भी आज सपोर्ट लेवल के रूप में लिखा है और आप सभी के साथ मैंने कल रात वीडियो में भी शेयर किया था। अब यहां पे उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई और फिर हाई लगाया 19,350 का, यानी 100 पॉइंट्स का मूव लोएस्ट पॉइंट से। अभी ऊपर से फिर से 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और अगर आपको लग रही है ये वॉलेटिलिटी है तो जरा मिड कैप इंडेक्स पे नजर डालिए। वो आधे परसेंट ऊपर से आधे परसेंट नीचे चला गया और वापस से अभी लगभग 1/4% ऊपर है। तो वहां वॉलेटिलिटी तो कुछ हायर लेवल पे ही है। अब आपको किधर पोजीशन बनानी है, देखिए मैं आपसे सिंपल और बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बोलूंगा, कोई पोजीशन नहीं बन रही है। अगर आप फिर भी पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दैट मींस आपको ट्रेड मिल नहीं रहा है, आप ट्रेड बना रहे हो जबरदस्ती। तो ट्रेड तो अभी तक नहीं आया है, आएगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी यहां पे मार्केट ब्रेथ जो सुबह 300 शेयर्स केवल लाल निशान में थे, अभी 665 हो चुके हैं एनएससी पे। तो मार्केट ब्रेथ तो स्ट्रांग है, लेकिन शुरुआती में जितनी स्ट्रांग दिख रही थी उससे धीरे धीरे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच रही है। 1250 शेयर्स पॉजिटिव है, 670 शेयर्स नेगेटिव है और मिड कैप आपके लिए पूरा कहीं ना कहीं अभी फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। दोबारा स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं आपको। आज मेटल इंडेक्स लीड कर रहा है, 1.5% ऊपर है, पीएसयू 1.25% ऊपर है और गिरावट को लीड कर रहा है आईटी। एक्चुअली में आईटी में आज डिविडेंड भी काफी सारे स्टॉक्स के हैं। सबसे बड़ा नाम तो इन्फोसिस का ही है, जो ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा का डिविडेंड दे रहा है और शेयर का प्राइस उतना टूट गया है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। मार्केट अभी अभी जस्ट मैंने आपसे कहा निफ्टी 19,350 पे है और अभी 19,290 आ गई। ये वॉलेटिलिटी है, बहुत हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट्स में। और अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 665 शेयर्स नेगेटिव है, अभी 750 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। तो ये है वॉलेटिलिटी का लेवल, 35-50-85 शेयर 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर नेगेटिव हो गए हैं। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी अपने आप में पीक पे है। कुछ स्टॉक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो भारी एक्शन में है। अंबर एंटरप्राइज में बड़ी खरीदारी हुई है जिसके दम पर 6.5% ऊपर है। श्री रेणुका शुगर मंडे 10% टूटा, आज 5% ऊपर है। मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं, एथेनॉल के, ईवी के, जो स्टॉक्स पे आपको भरोसा है ना, उनमें गिरावट में खरीदना है, ठीक है। अभी मत लेना, मार्केट गिर रहा है, नीचे आने तो क्या पता बढ़िया मौका और मिले। और एक साथ जज नहीं करना है कि भैया गिर गया तो बहुत लोअर लेवल पे खरीद लो, या फिर रिवर्स हो रहा है तो ठीक है अब तो भाग जाएगा, सब निकलना जाए आज से खरीद लो। वेट करना है, मार्केट को टाइम देना है, 2 ट्रेडिंग सेशन कम से कम दो, मार्केट को स्थिर होने का समय दो, तब लेना। जल्दबाजी के फैसले इस बाजार में बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में एमएमटीसी दोबारा एक बार 5% के लोअर सर्किट पे आ गया है। टीम लीज पौने 4% नीचे। केईआई इंडस्ट्री, हमारा शेयर किया हुआ स्टॉक है आपके साथ, 2400 रुपए पे पहला इंस्टॉलमेंट डालना है, अभी 2470 रुपए पे चल रहा है, थोड़ा और गिर जाए, बहुत ही क्वालिटी दमदार कंपनी है। परसों 2500 रुपए 50 पे था, 2550, तब भी मैंने कहा था 2400 रुपए तक टेक्निकली नीचे ज्यादा दिखता है, 2400 पे आएगा तो खरीदेंगे, तो वेट करें, अभी भी वॉच लिस्ट में रहने दीजिए। एचईजी में गिरावट है, लोधा में गिरावट है। रिलायंस इंडस्ट्री आपके लिए आज 10 रुपए ऊपर है और ये मैंने एवरेज करने की राय दी है टेलीग्राम पे भी, और यहां भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मत बेचना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी की बात करूं तो 32 शेयर्स पॉजिटिव है, 18 शेयर्स नेगेटिव है। नेगेटिविटी को एचडीएफसी लाइफ, इंफोसिस, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल लीड कर रहा है और पॉजिटिविटी को हिंडाल्को लीड कर रहा है, 3.25% ऊपर है। उसके बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यानी कि टॉप 3 गेनर्स जो है निफ्टी के, वो आज तीनों के तीनों मेटल्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है क्योंकि आपके लिए रिजल्ट्स पे रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। टोरेंट फार्मा का, महिंद्रा लॉजिस्टिक का, केवल किरण क्लोथिंग, ये मैंने कहा नंबर बढ़िया आए हैं और शेयर का प्राइस 6.5% ऊपर। आलोक इंडस्ट्री बहुत मुश्किल था जज करना नंबर्स, स्टॉक 0.5% ऊपर है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स तो ठीक थे बट स्टॉक का प्राइस 1% गिर गया। तो ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स जो रिजल्ट्स आपके लिए दिखाते हुए दिखे और एक्शन दिखा रहे हैं। स्टॉक्स की बात की जाए तो आज आपके लिए रिजल्ट कैलेंडर भी काफी खास होने वाला है, स्पेशली स्टॉक कैश मार्केट के स्टॉक्स में।
CMS Info System ये नंबर पेश करेगा आपके लिए, Rallies India ये नंबर पेश करेगा, Share India Securities इसको लेकर मैंने कल आपसे कहा था कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है क्योंकि बाजार से जुड़े हुए सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शेयर उससे पहले ही 4% भाग गया है तो फिर अब तो मैं इसको अवॉइड करने की राय दूंगा कि अब ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज ये भी अपने नंबर पेश करेगा, एक्सिस बैंक के नंबर आते हुए दिखेंगे आपको आज के सेशन में, टेक महिंद्रा और जुबिलेंट फूडवर्क ये कुछ बड़े नाम है जो आज अपने नंबर पेश करेंगे। बाकी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के भी नंबर आएंगे, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के नंबर आएंगे, इंडस टावर के, सोनाटा सॉफ्टवेयर के, स्वराज इंजन के, तो नंबर्स तो काफी सारे आने हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, दो तीन चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है अपना रुपया मजबूत होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है आपके लिए कि सेंटीमेंट्स वॉलिटिलिटी जो बिकवाली परसों मंडे आई है ना वो रिटेल ने बेचा है, FIDIs ने नहीं बेचा है, तो वहां कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। और एक और पॉजिटिव चीज है आपके लिए, वो आपके लिए कच्चा तेल है जिसमें घटता हुआ दिख रहा है प्राइस। तो ये हमारे लिए कुछ पॉजिटिव नेगेटिव और मार्केट का सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।